तो हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रैंड न्यू वीडियो। और ये आज हम एक मील प्रेप करने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। पोस्ट वर्कआउट मील में यूज़ कर सकते हो आप उसको, या फिर रात को डिनर के बाद अगर थोड़ा यूज़ करना चाहो तो उधर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका नाम मैंने रखा है हाई प्रोटीन सोया योगर्ट, ये इस मील का नाम है। और आप पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हो, बहुत टेस्टी है, मज़ा आएगा खाने में आपको, बोरिंग नहीं लगेगा आपको अपना कट अगर कर रहे हो तो, वरना वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत पक गया था इतना बेकार जो मैं खा रहा था मील उसको खा के, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाते हैं। और मैंने अपनी सारी मील्स मॉडिफाई कर दी है, अब कट करने मज़ा आ रहा है, तो मन खुश रहता है तो एनर्जी भी अच्छी रहती है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए मैंने ये मील बनाई और बहुत अच्छी मील है, बहुत अच्छा आपको इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाएगा और टेस्टी बहुत ज़्यादा है। चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं। तो इतना छोटा सा पहले प्याज लेना है हमने, छोटा सा प्याज है बहुत, पूरा काटेंगे इसे। काट लेता हूँ मैं पहले, फिर दिखाता हूँ आगे आपको। तो प्याज काट लिया मैंने यार, देखो दिख रहा है ना, वो छोटा सा प्याज इतना था, वो छोटे छोटे पीसेस करने हैं आपको। जल्दी जल्दी में मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीस काट दिए, और एक छिलका भी आ गया, इसको हटा लो पहले। तो कोई नहीं, बनाते जल्दी से। ये प्याज कट गए अपने और दिखाता हूँ आगे। इसके बाद आप पे जो भी पैन हो, पैन है मेरे पास नॉन स्टिक ही, बट अभी जो है सामने उसी में बना लेते हैं। एक मिनट। तो अब हम चलते हैं गैस के पास। इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी, बहुत हल्का सा, थोड़ा गर्म होने दो पहले तवे को, फिर डालना। तवा गर्म हो जाता है तब दिखाता हूँ मैं आपको, घी डालेंगे आगे। तो भाइयों, जब तवा गर्म हो जाए, जिसकी मेरा हो गया, तो हम थोड़ा सा घी डालेंगे, इतना सा ही ले रहा हूँ मैं, देखो इसमें दिख रहा है तो डाल दो इस पर। और मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है तो उस हिसाब से ही ले रहा हूँ। घी को भी थोड़ा गर्म होने दो। घी गर्म हो जाए तो फ्लेम पहले कम कर लेना, इतना रखना। प्याज डाल दो, प्याज को थोड़ा भून लेना है। मैं चाकू से ही वो कर लूँ। ये मील बहुत टेस्टी होने वाली है, बना के ज़रूर देखना। और कोई नुकसान इसमें घी का मतलब ये नहीं है, घी डाल दिया तो अब तो बेकार हो गया डाइटिंग वाली, सब कुछ मैक्रोस कैलकुलेट करके डालो तो कुछ भी खा सकते हो। अरे भाई चाकू क्या हो रहा है। जब ये प्याज का टेक्सचर थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाए, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, तब मतलब ये भन जाएंगे, थोड़ी देर और रखो। आप चाहो तो टमाटर भी डाल सकते हो इसमें, बट मेरे को अभी इतना काटने कूटने का मन नहीं कर रहा, प्याज काटने में इतना आंसू आ गए थे, इतना वो था ये प्याज। ओके, अभी ये हो गया है ब्राउन अच्छे से थोड़ा, अब मज़ा आएगा, खुशबू मस्त आ गया।
अब इसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 10 ग्राम, ये डालो, इसमें मिक्स कर दो अच्छे से। फ्लेम कम रखना वरना वो चिपक जाएगा अगर आपसे नॉन स्टिक पैन नहीं है तो। मेरे पास तो है पर पता नहीं है फिर भी इसमें क्यों बना रहा। जल्दी जल्दी है क्योंकि भूख लग रही है बहुत है। कार्डियो भी करना है तो 15,000 स्टेप कंप्लीट करना है। 15,000 से ज़्यादा ही करेंगे लेकिन तो कहाँ जा रहा है ना। बस हो गया ये, इसको कर दो बंद। हम दिखाता हूँ आगे क्या करना है। आप कैमरे का एंगल इधर घुमाते हैं। और ये है टोटल मेरा 90 ग्राम सोया, तो इसमें से मैं 50 ग्राम लूँगा। और नापने की उतनी ज़रूरत है नहीं मेरे को क्योंकि पता है मुझे कितना होगा। और टोटल 90 ग्राम है ये, कितना भी हो मैं खाऊँगा उतना ही। 50 ग्राम लेना है वैसे भी हमें, अगर आपको नापना हो तो नाप लेना। मुझे पता 50 ग्राम कितना होगा तो दिख तो रहा है ना मैं। एक मिनट ऐसे करना पड़ेगा लगता है, तो मैं 50 ग्राम ले रहा हूँ। बस हो गया 50 ग्राम। अब दही को हमें मेजर करना पड़ेगा क्योंकि दही का मुझे नहीं पता, पता नहीं चलता दही का। तो एक मिनट रुको मैं स्केल लेके आता हूँ। तो इसको रखो ऊपर, दही का पैकेट भी अभी लेके आया हूँ मैं। तो हमें लेना है 300 ग्राम दही। दूध पीना मैंने बंद कर दिया, उसकी जगह दही ले रहा हूँ। तो थोड़ा और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 380 ग्राम हो गया। कोई नहीं, अब ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लो दही और सोया को। बस इसको स्टोर करके मत रखना, आपको इंस्टेंटली बनाते ही खाना पड़ेगा वरना गार्लिक और वो डाला है इसमें तो ख़राब हो जाएगा वो। अब जो ये आपने बनाया है वो इसमें डाल दो। बस ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगेंगे आपके, काम भी हो जाएगा। अब खा के देखना इसको, मज़ा आ जाएगा। ऊपर से बस नमक डाल देना और नमक डाल लेना थोड़ा वरना मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। चाहे तो आप चाट मसाला डाल सकते हो, नमक और चाट मसाला, बट मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो आप चाहो तो, बट मेरा तो इससे काम हो जाता है तो मैं नहीं डालने वाला। नमक थोड़ा डाल लेते हैं बस। तो थोड़ा और, इतना नमक ले रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे आप टमाटर वमाटर डालोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब मैंने पहले दिन ये बनाया था
तो मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स डाली थी। तो ये बन गया हमारा मील, देखने में ही टेस्टी लग रहा होगा और बहुत टेस्टी है ये खाने में। तो भाई मैं तो जल्दी जल्दी निपटा लेता हूँ इसको। मैक्रोस वैक्रोस आपको दिख गए होंगे जब मैं बना लिया था, जब मैंने, या अभी भी दिख रहे होंगे। बहुत टेस्टी है ये। डाइटिंग ऐसी करो ये डाइटिंग लगे ही ना। हमें कुछ ऐसा डाला ही नहीं है जिससे आपके फैट लॉस पर फ़र्क पड़े। बहुत कम घी है, सब कुछ कैलकुलेट करके खाना, बस मज़ा आ जाएगा खा के देखना। ये मेरे यार मुझे उसको नाम ही याद नहीं आ रहा जिसकी तरह ये लग रहा है। क्या नाम था पता नहीं, चलो मैं खाता हूँ इसको। तो यार एक बार खा के ज़रूर देखना, इस मील को बना के देखना, मज़ा आएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपको अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। या तो जय हिंद, गुड बाय।